नगर के बीच में गरीबों को घर इस नाम की स्कीम सरकार ने लॉन्च की है। कोई खुद अगर सामने आकर सिटी के अंदर जमीन को अगर डोनेट करना चाहे तो वहाँ पर घर बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा ही होगा यार। अरे भाई, हमारे लिए जमीन देने के लिए कौन आएगा यार। नमस्ते। नमस्ते, कहिए। आपकी गवर्नमेंट ने सिटी में अगर कोई लैंड डोनेट करेगा तो वहां पर गरीबों को घर बना के देने का वादा किया है, वो स्कीम मुझे बहुत पसंद आई। शहर के बाहर गवर्नमेंट की जमीन है पर वहां घर बनाकर देंगे तो गरीब लोग वहां रहने नहीं जाएंगे, इसीलिए ये स्कीम लाई गई है। लेकिन जमीन डोनेट करने के लिए कोई आया नहीं। मैं डोनेट करूंगा सर, हमारी बंजारा हिल्स में 10 एकड़ की खाली जमीन है। जमीन आपके नाम पर है? नहीं सर, ये जॉइंट प्रॉपर्टी है। मेरे बेटे, बहू, बेटियां, इन सब के प्रॉपर्टी से संबंधित सभी के दस्तखत के साथ मैं ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ सर। उन सब की भी इसमें रजामंदी है सर। शहर के दिल में है ये जमीन जो आप डोनेट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू लगभग 100 करोड़ में होगी, लेकिन आपके बड़े दिल के आगे इसकी वैल्यू बहुत छोटी है सर। इसे हम जरूर कंप्लीट करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। सिर्फ 1 घंटे पहले इस जमीन पर कदम रखने में गिल्टी फील होता था, लेकिन अभी गर्व फील हो रहा है। ले 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 ले। कौन है ये? इसके माँ बाप को मार डाला, ये बच गया तो उठा के ले आया। ओ लो 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 लो। तो आप क्या करें इसका? बच्चा है भाई, ये क्या करेगा, कहीं ले जाके फेंक देंगे इसको। छोटे सांप को भी बड़ी लाठी से मारना पड़ता है। यह जमीन मेरी है, इसके बारे में सवाल करने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं है। What the hell happened? There was a fight. Was it a gang fight? It was just one guy. He beat them all. He's still inside. Hands on your head. Did you beat up these guys yourself? Yes, sir. You are under arrest. Wait up, sir. No. He actually saved us. These are the guys harassing us.
Let me see some ID. Slowly. I thought all Indians were timid. Yeah, never saw one who could fight before. I guess you haven't met a real Indian before, officer. Hi, guys. Hi, bro. So, I'm breaking down the company financials into three categories. Category 1, 2, and 3. And I want to take your attention to the horizontal bar chart, where in the months of May, we're at 780, whereas the last financial year, we were at 120. So this year, there has been phenomenal growth. Now, at the end of this third quarter, we made 40% profits. Super, bhai! Kamal kar diya! Wah! Hi, that was good one. Come. Hi. Hi. इंटरेस्टिंग, ये लड़की किसी अनजान बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए फंड्स रेज कर रही है. वेरी गुड इंटेंशन, नाइस. हम भी डोनेट करते हैं. माँ, हेलो माँ. अरे गौतम, इंडिया कब आ रहे हो? 3 महीनों से यही पूछ रही हो. इतनी बार पूछने के बाद तुम्हें बोर हो जाना चाहिए. यहाँ बहुत सारे रिश्ते देखकर रखे हैं. तुम आकर कोई लड़की पसंद करके शादी कर लो तो हमारी छुट्टी. तुम चाहे हॉलीडेज कहो या रिश्ते देखने हैं कहो, मैं नहीं आऊंगा. अगर कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन है तब आऊंगा. फिलहाल मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ. बाय माँ. अरे रे रे रे, शादी से जरूरी और क्या काम हो सकता है इसके लिए. बढ़िया था, तुमने कमाल का प्रेजेंटेशन दिया है. वो तो ठीक है यार, हम दोनों ने मिलकर ही किया है. हाँ, अच्छा तेरे फेसबुक पे मैंने एक लिंक शेयर किया. हाँ, उस फाउंडेशन में $10 or $20 भेज. हाँ, दे. ऐसे काम पहले मुझे बताया कर भाई. कर दे यार. तूने कितना भेजा? $200. मिस्टर गौतम, द सीईओ वुड लाइक टू सी यू. आई एम वेरी हैप्पी विद दोस नंबर्स यू प्रेजेंटेड. कंपनी ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल, प्रॉफिट्स आर अप, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑल टाइम हाई. दैट्स बिकॉज ऑफ यू एंड योर हार्ड वर्क. थैंक यू सर. Therefore, I'd like to make you an offer. We would like to offer you a permanent position in this company with a very high salary, stock options, considering your position, and most importantly, I'd like to sponsor your American citizenship. तो तूने क्या बोला? Reject कर दिया. Reject कर दिया? हाँ. Hey. चल यार. Hey, 6 crore की salary, company में shares. इन सब के अलावा अमेरिकन सिटीजनशिप यार, मना करने का जिगरा कहाँ से ले आया? मेरे भोले दोस्त, मुझे इस देश पर बहुत नाज है. मुझे इसने नौकरी दी, पैसा दिया, घर दिया, बहुत अच्छी लाइफ भी दी. लेकिन मैं यहाँ कभी सेटल नहीं हो सकता. यहाँ से पैसा कमाकर अपने शहर जाकर स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहा हूँ. खुशी खुशी 100 लोगों को नौकरी देकर सेटल होने की सोच रहा हूँ. हमारे देश के काम आने की सोच रहा हूँ. यही मेरा प्लान है. तू डिसअपॉइंट मत हो. चल. यहाँ के सिटीजनशिप के लिए लोग क्या क्या करते हैं तुझे पता नहीं है क्या भाई? मुझसे ज्यादा तो तू दुखी हो रहा है. चल. हैदराबाद में खरीदाबाद वर्ग के MLA ब्रह्मा रमन की अचानक मौत के कारण इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन करवाने का निर्णय लिया है. पोलिंग इसी महीने की 20 तारीख को होना तय हुआ है. मैं इंडिया आ रहा हूँ माँ, बस 2-3 दिन में निकल जाऊंगा. ऐसा कौन सा जरूरी काम है? क्या कहा? वोट डालने के लिए जाएंगे. एक बार इंडिया जाके आने में कितना खर्च होगा पता है? 2,50,000. तेरी आधी तनख्वाह. क्यों जाना है? यहीं रहना. भाई तू ये कह क्या रहा है? ये तनख्वाह, ये लाइफस्टाइल, ये सब कुछ हमें किसने दिया है? अपने भारत देश ने ना. हम चाहे कितने भी जन्म क्यों ना ले, देश का कर्ज नहीं चुका पाएंगे. देश के नागरिक होने के नाते एक काम जरूर कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं. वो हमारी मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है. भाई तेरी देशभक्ति बहुत बढ़ गई है, हजम नहीं होती. देशभक्ति का मतलब क्रिकेट मैच जीतकर सबको मिठाई बांटना,
थिएटर में जाकर जनगणमन शुरू होने पर खड़े होना, ये देशभक्ति नहीं होती। हमारे देश की जनता खुश और संतुष्ट रहे, उसके लिए जो हो सके वो करना, ये है देशभक्ति। इट्स माय ओपिनियन। हमारे देश की भलाई के लिए एक अच्छा नेता चाहिए, और एक अच्छे नेता को पावर में लाने के लिए हम जैसे लोगों को वोट देना होगा, इसीलिए मैं जाकर वोट दूंगा। बहुत बढ़िया, बढ़े चलो। थैंक यू। इतना पड़ेगी तो चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, ब्रेक ले लेगी तो फेल हो जाएगी क्या? आईआईटी की तैयारी कर रही हूँ, एक मिनट भी वेस्ट किया ना तो मार्क्स कम हो जाएंगे। बाप रे। ठीक है, तेरे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, घर जाने के बाद याद दिलाना। अभी कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, शाम हो जाएगी। शाम हो जाएगी क्यों, अभी कहाँ जा रहे हैं? रिश्ता देखने। रिश्ता देखने, इतनी जल्दबाजी क्या? ए, तू इंडिया आया ही तो 10 दिनों के लिए है ना, वोट देकर चला जाएगा, उसके बाद तू मिलेगा क्या हमें, इसीलिए शादी करवा कर ही भेजेंगे। क्या माँ, मैं तो तैयार भी नहीं हुआ हूँ, ऐसे ही जाएंगे क्या? हाँ सर, मैं बस अभी पहुँचा हूँ सर, डोंट वरी सर। सर और कितना टाइम जाएगा सर? ए, इस गाड़ी को हटा पीछे, चलो हटाओ। अरे कोई बोलो यार। एक्सक्यूज मी, आप देख रहे हैं ना रोड पे कितनी सारी गाड़ियां रुक गई, वो देखिए पीछे एम्बुलेंस भी खड़ी है। ट्रैफिक जाम है ना? ये ट्रैफिक जाम नहीं है, एक्चुअली एक मिनिस्टर आने वाला है, उसके यहाँ आने तक हमें यही ऐसे ही रोड पर खड़े रह के वेट करना होगा। वैलिड पॉइंट है। काम सिर्फ उसे ही है क्या, हमें नहीं होता? आप जरा अपना जैकेट दीजिए, ट्रैफिक क्लियर करना है। जैकेट से कैसे? जल्दी दीजिए, बताती हूँ, फास्ट। ठीक है, थैंक यू। ए, देखो ना क्या जाम लगा रखा है। चलो ऑटो सब लोग चलो, काना चुपचाप खड़े रहो। मेरे पेट में 9 महीने का बच्चा है और आप मेरे पति हैं। सडनली पेन स्टार्ट हो गया, आपकी चिंता और मेरी चीक से उस ट्रैफिक वाले को कंफ्यूज करना है, ठीक है? हाँ। ओके? अब रास्ता क्लियर है सर, आप आ सकते हैं। आइए सर। माँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, रास्ता एकदम क्लियर है, आ जाइए सर। सहा नहीं जा रहा है, पता नहीं किस गधे ने ट्रैफिक जाम किया। हम उसी के पास खड़े हैं, जरा आराम। क्यों मैडम, बिना गाली दिए भी तो आप अपनी गाड़ी में जाकर बैठ सकती है ना। कार को क्या तुमने मैटरनिटी होम समझा है? सर, थोड़ा अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मिनिस्टर साहब के आने का टाइम हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप चाहे तो मिनिस्टर को रोक सकते हैं, लेकिन आने वाले बच्चे को कैसे रोकेंगे? हाँ ये तो है, अगर कुछ हो गया ना तो तुझ पर मर्डर केस कर दूंगी। अरे बाप रे। महिला मंडल से बात करके तुझे नौकरी से निकलवा कर इसे सिग्नल पर भिखारी बना दूंगी, समझे? अरे बस कीजिए मैडम, वैसे आपकी कार है कहाँ? एम्बुलेंस के पीछे। रास्ता क्लियर करो। आओ आओ आओ। आराम से मैडम, आराम से। अरे संभालिए जरा, जल्दी कर जल्दी कर। अरे मैडम ऐसे नाचिए मत, नहीं तो डिलीवरी यही हो जाएगी। अरे यहाँ यहाँ जल्दी। अरे संभाल के संभाल के। इतनी जबरदस्त एक्टिंग। कैच कैच कैच। तुम्हारा नाम क्या? बाय बाय बाय। आप मेरे पति हो। पापा, अभी जो लड़की मिली वही पसंद आ गई, आप रिश्ता कैंसिल कीजिए, हम वापस चलते हैं। ए, जो लड़की देखने जा रहे हैं उसके फादर हाईकोर्ट में लॉयर हैं, नहीं जाएंगे तो हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर देंगे। तो फिर एक काम करते हैं पापा, रिश्ता देखने जाते हैं पर उन्हीं के मुंह से हमें लड़का पसंद नहीं ऐसा बुलवाएंगे। क्या? ओके।